नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है राशि चक्र की प्रथम राशि अग्नि तत्व की राशि मेष राशि वाले जातकों के लिए जून 2020 का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में। तो आपको बता दें कि ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र एक नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि मेष है और ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 14-15 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके मेष राशि में है तो भी ये प्रिडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों मेष राशि के अंदर हैं तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेडिक्शन। सर्वप्रथम बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह मंगल ग्रह के ट्रांजिट से। मंगल ग्रह का प्रेडिक्शन आपके लिए बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि आपके राशि के अधिपति ग्रह हैं, आपको कमांड करने वाले ग्रह मंगल हैं और मंगल का ट्रांजिट कुछ इस प्रकार है। मंगल मंथ की शुरुआत के अंदर जून महीने में आपके कुंभ राशि में होंगे, आपकी राशि से 11वें स्थान के अंदर होंगे जो कि आपके लिए बहुत शुभ होंगे। मित्रों से लाभ करने वाले होंगे, जमीन प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ करने वाले होंगे और नेगेटिव इफेक्ट किसका क्या रहेगा, फैमिली स्थान के अंदर कुटुंब स्थान के अंदर मंगल की गोचर ट्रांजिट चतुर्थ दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा पारिवारिक समस्या या तो फाइनेंशियल मैटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा सकते हैं। जो कोई भी जातक शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि व्यवसाय से कनेक्टेड हैं इनको भी थोड़ा सा लॉसिस वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी और रोग शत्रु पर आपको विजय देने वाले बनेंगे। मंगल का जो ये ट्रांजिट है कुंभ राशि के अंदर ये 18 जून तक हैं। 18 जून के बाद मंगल चलेंगे मीन राशि में, तो मीन के जो मंगल हैं वो आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर चलेंगे। तो उसके कारण क्या होगा कि थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास का अभाव होगा 14 जून के बाद जब मंगल चलेंगे 12वें स्थान के अंदर। तो ये मंगल आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करवाएंगे, आत्मविश्वास का अभाव करवाएंगे और ब्रदर सिस्टर या तो नेबर्स के साथ रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है। हालांकि रोग शत्रु पर विजय जारी रहेगा क्योंकि मंगल की 6वें स्थान में दृष्टि होगी और मंगल गोचर ट्रांजिट के अंदर मांगलिक दोष क्रिएट करेंगे जिसके कारण विवाहित जातकों को दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव आ सकता है और अविवाहित जो जातक हैं इनको भी इनका एंगेजमेंट मैरिज इत्यादि होने के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो मंगल की ट्रांजिट के शांति के लिए क्या करना होगा, 14 जून के बाद कम से कम आपको 2 गाय को रोज 50-50 ग्राम जितना गुड़ खिलाना है। मंगल का मंत्र आप कर सकते हैं ओम ह्रीम क्लीम भौमाय नमः, दिन में 3 बार सूर्य दर्शन करना है। तो प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे सब ग्रह की ट्रांजिट के बारे में, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। तो सबसे पहले मंगल के बाद प्रेडिक्शन इम्पोर्टेंट है ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो 14 जून 2020 तक आपकी राशि के दूसरे स्थान के अंदर है, वृषभ राशि में है। तो वाणी में संयम बरतना होगा और वो भी खास करके कुटुंब के अंदर आँखों का विशेष केयर करना होगा और पारिवारिक मामलों में केयर करना होगा। फाइनेंस में तो इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि धन स्थान के अंदर सूर्य है तो फाइनेंस में तो इम्प्रूवमेंट होना है और साथ साथ आपको वाणी में संयम बरतना है और आँख कान नाक दांत इत्यादि अंगों का भी आपको विशेष केयर करना होगा क्योंकि जो कोई भी उग्र ग्रह जब कुंडली के अंदर गोचर ट्रांजिट के अंदर चंद्र से या तो सूर्य से दूसरे स्थान के अंदर भ्रमण करते हैं तो धन स्थान को वाणी के स्थान को कुटुंब स्थान को ये डिस्टर्ब करके जाते हैं।
तो पारिवारिक मामलों में केयर करना होगा, वाणी में संयम बरतना होगा, क्योंकि सूर्य बहुत उग्र ग्रह है और इसकी उग्रता जो है वो मंगल और शनि और राहु से कहीं ज्यादा है, एक्सट्रीम है, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। सूर्य का इतना पावर है क्योंकि वास्तव में भी हम देखते हैं तो हमारे सामने गोचर मंडल के अंदर, आकाश के अंदर, ग्रह मंडल के अंदर जो हमको विद्यमान ग्रह है अपनी आँख से हम देख सकते हैं, ऐसे ग्रह के अंदर सबसे पावरफुल ग्रह जो है वो सूर्य है। तो सूर्य धन स्थान के अंदर से गुजरने वाले हैं, वाणी के स्थान के अंदर से गुजरने वाले हैं, तो आपको वाणी में संयम बरतना होगा और वो भी खास करके कुटुंब के अंदर। प्रिडिक्शन में अभी बात करेंगे, जो 14 जून को जो सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे रात को 11:55 पर इंडिया टाइम पर, इंडियन टाइम पर, तो सूर्य चलेंगे मिथुन राशि में। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो 14 जून को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो संक्रांति का इसको बोलेंगे मिथुन संक्रांति। तो मिथुन राशि में जान जाने वाले हैं सूर्य, इसको बोलेंगे मिथुन संक्रांति। तो मिथुन संक्रांति का जो पुण्यकाल रहेगा दोपहर में 12:30 से लेकर सूर्य अस्त तक, जब तक सूर्य ढलता है तब तक संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। और इसमें आपको खास करके गाय को गुड़ खिलाना है, पशु पक्षियों को दाना डालना है, गरीब लोगों में दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, मैक्सिमम अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करना है, मंत्र करना है। 14 जून दोपहर में 12:30 से लेकर सूर्य अस्त होने तक और दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करना है सूर्य ग्रह की शांति के लिए, 14 जून 2020 को। और 14 जून 2020 को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे रात को 11:55 पर इंडिया टाइम पर और चलेंगे मिथुन राशि में, आपकी राशि से तीसरे स्थान के अंदर, पराक्रम स्थान के अंदर, साहस भुवन के अंदर। तो आपको ये नए साहस करवाने के लिए तत्पर करेंगे, मेकिंग पावर फॉर न्यू वेंचर, आपको नए साहस करने के लिए तत्पर करेंगे, आपके अंदर जोम भर देंगे, उत्साह भर देंगे नए साहस करने के लिए। ब्रदर्स सिस्टर्स आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, गवर्नमेंट आपके लिए सपोर्टिव रहेगी, फादर आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, तो और फिर क्या चाहिए। तो नए साहस करने के लिए एक्सट्रीमली शुभ समय होगा 14 मई से लेकर 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक का जो 1 महीने का पीरियड है, ये आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ है फॉर न्यू वेंचर। तो जो भी काम कर रहा है आप खींच के काम कर सकते हो, मतलब बिजनेस कैरियर के रिगार्डिंग बात है, और नए साहस की भी जो न्यू वेंचर है वो भी जॉब कैरियर के रिगार्डिंग आप कुछ करना चाहते हैं, इसके लिए ये ट्रांजिट की बात है। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट इस प्रकार होगा कि भाग्य स्थान में सूर्य की दृष्टि होती है, तो सूर्य जहां पर दृष्टि करते हैं उसको जला देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो भाग्य स्थान में सूर्य की दृष्टि होने के कारण आपको यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग के अंदर डिस्टर्बेंस आने की संभावना होगी। छोटी या बड़ी यात्रा, कोई भी यात्रा प्रवास आप कर रहे हैं तो आप बहुत केयरफुल रहे, आपका यात्रा प्रवास में विघ्न डिस्टरबेंस आने की संभावना होगी, कहीं आपका व्हीकल खराब हो जाता है, कहीं आपका सामान चोरी हो जाता है, या तो कुछ कोई भी प्रकार की गड़बड़ हो सकती है। तो यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग के अंदर बहुत केयरफुल रहें भाग्य स्थान के अंदर जब सूर्य की दृष्टि होती है। प्रिडिक्शन में अभी बात करेंगे बुध ग्रह की ट्रांजिट के बारे में, तो इम्पोर्टेंट प्रिडिक्शन, बुध बुद्धि तत्व के कारक ग्रह बुध का ट्रांजिट आपके लिए क्या कहता है। बुध आपके मिथुन राशि में है, तीसरे स्थान के अंदर, पराक्रम स्थान के अंदर, वो भी आपको नए साहस करवाने वाले हैं और नए साहस से आपको लाभ रहेगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशन इम्प्रूवमेंट होगा, नेबर्स के साथ रिलेशन इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये ट्रांजिट बुध का आपको मामा एवं मौसी की ओर से भी आपको बेनिफिट करवाएंगे, क्योंकि बुध छठवें स्थान के मालिक होकर आपके पराक्रम स्थान के अंदर है, रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं और मामा मौसी से लाभ करवाने वाले हैं। गुरु जो है वो मकर राशि में होंगे 29 जून तक,
और उसके बाद वक्री होकर गुरु चल पड़ेंगे फिर से धनु राशि के अंदर, आपके नाइन्थ हाउस में जाएंगे भाग्य स्थान में। तो गुरु का जो फल है वो 29 जून तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आप महसूस करेंगे बिजनेस करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि जो ये गुरु है ये वक्री होकर धनु राशि में जा रहे हैं और गुरु की दसवें स्थान में ये नीच राशि है। आप काम कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन बड़ा हो नहीं रहा है और छोटा आपको करना नहीं है, ऐसी असमंजस वाली परिस्थिति जो है ये गुरु क्रिएट करेंगे। तो गुरु ग्रह की शांति के लिए क्या करना है, मकर राशि में चलने वाले गुरु के लिए हो सके तो आप एक प्रयोग करें, हर गुरुवार को आप बंदरों को खिलाएं। बंदरों को चना खिला सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं, फ्रूट्स खिला सकते हैं एवरी थर्सडे। और थर्सडे के बजाय जब भी आपको बंदर दिख जाए तो वीक में एक दिन आप बंदरों को खिला सकते हैं। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गुरु की शांति के लिए वैसे तो नेवले को खिलाना है, नेवले को खिलाने से शांति होती है, लेकिन इसकी क्योंकि इसकी योनि नकुल योनि है, नकुल माने नेवला, लेकिन नेवले को खिलाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेवला जंगली प्राणी है और इजीली अवेलेबल नहीं है इस, और वो आपको देख के खड़ा भी नहीं रहेगा। तो उसकी एवजी में क्या कर सकते हैं, उसकी एवजी में उसके पहले वाला जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, इसकी योनि वानर योनि है, तो पूर्वाषाढ़ा यानी कि उत्तराषाढ़ा की शांति के लिए बंदरों को खिलाना है। तो उत्तराषाढ़ा की शांति होती है और उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है ये भी दो श्रवण नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा में के बीच का नक्षत्र है, तो श्रवण की भी योनि वानर योनि है और पूर्वाषाढ़ा की योनि भी वानर योनि है और इसके बीच में ये नकुल माने नेवला है, तो दोनों तरह से इसके ये वानर योनि से कनेक्टेड है। तो बंदरों को खिलाने से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शांति होती है, तो वीक में एक दिन कम से कम बंदरों को खिलाएं और हो सके तो गुरुवार को अदरवाइज बंदरों का भी कोई ठिकाना नहीं होता है, जब भी आपको बंदर दिख जाए आप हफ्ते में एक दो दिन बंदरों को खिला दीजिए। गुरु वक्री होकर धनु राशि में जाएंगे तो भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे क्योंकि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और भाग्य स्थान में अपने घर में चलने वाले गुरु आपको भाग्योदय में वृद्धि करवाएंगे 29 जून के बाद। तब तक थोड़ा सा कैरियर रिगार्डिंग स्ट्रेस टेंशन आप महसूस करेंगे, गुरु का इम्पैक्ट है, आप बड़ा करना चाहेंगे, बड़ा होगा नहीं, छोटा आपको करना नहीं है और ऐसी असमंजस वाली परिस्थिति बनी रहेगी। तो गुरु आपके प्रॉपर्टी रिगार्डिंग जो कार्य है इसमें आपको हेल्पफुल बनने वाले हैं, नया मकान वाहन प्रॉपर्टी आप कुछ लेना है बेचना है कुछ भी करना है इसके लिए आपके लिए हेल्पफुल है। धन सुख में वृद्धि करने वाले हैं, कुटुंब सुख में वृद्धि करने वाले हैं और मैटरनल साइड से आपको बेनिफिट करने वाले हैं। लव मैटर के कारक ग्रह शुक्र आपके धन स्थान के अंदर होंगे, वाणिज्य स्थान के अंदर होंगे जो आपको लव मैटर में सक्सेस देने वाले होंगे, फाइनेंशियल प्रोग्रेस करवाने वाले होंगे। तो शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है। कौन कौन से डेट्स आपको ज़्यादा टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर वो भी बता देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहें तो आपको नंबर बता देते हैं व्हाट्सएप नंबर, और एब्सोल्युटली फ्री में आप एक क्वेश्चन फ्री में पूछ सकते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस आपके नाम के साथ आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको हम व्हाट्सएप में ही आंसर देंगे, आपको पूछना है ओनली वन क्वेश्चन। तो आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, और यदि आप पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो भी आप नंबर नोट कर लीजिए, नंबर इस प्रकार रहेगा 9998011838 यानी कि 9998011838। आप जहां भी रहो खुश रहो प्रसन्न रहो हेल्थी रहो ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। और यदि आपके कोई मित्र है मेष राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए, और यदि आपकी जानकारी में आपके कोई मित्र हैं जिनका जन्म 15 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में हुआ है तो भी ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले।
गणेश जी, माता जी, हनुमान जी आपको हर कार्य में सहाय करें, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश।